दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले नेशनल एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन के कार्यक्रम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मीडिया से मुखातिब हुए। बिरला ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में युवाओं का स्टार्टअप्स तथा एमएसएमई के योगदान से नई क्रांति आई है। कोटा के दशहरा मैदान में दो दिवसीय नेशनल एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का आयोजन 11 और 12 सितंबर को रखा गया है। रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी 11 सितंबर से शुरू होगी। प्रदर्शनी देखने आने वाले लोग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक एमएसएमई और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों से संवाद भी कर पाएंगे। आयोजन के दूसरे दिन 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक कॉन्क्लेव का उद्घाटन सत्र होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। के अंदर पहली बार नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर की रक्षा उत्पादन की 52 कंपनियां, जिसमें निजी क्षेत्र भी है सरकारी क्षेत्र भी है, वो सारी कंपनियां यहां पर आएगी, जिसमें टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोका लीलैंड हो गया, लार्सन टुब्रो हो गया, इस तरीके से भारत डायनामिक्स होगी, अडानी हो गए, भारत फौज हो गए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहां पर आएगी। हमारी कोशिश है कि हम एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करें, क्योंकि आज भी देश के अंदर 1/3 से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर का योगदान हमारी आर्थिक प्रगति के अंदर है। रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं।